बस अभी साथ में है, क्या पता कि 8 बजे दोबारा चले जाए, तो जल्दी जल्दी हम नाश्ता बनाते हैं। बाजू में पानी रख दिया है जी ये चाय के लिए। और ये देखें जी चाय तो पक चुकी है। ये न्यू छाबा जो मैं लेके आई हूँ जी, इसमें सलेमान का पराठा रखते हैं। तो भी बस ये जी शीटें हैं, इनको जी सरफ लगाओ पानी के साथ अच्छी तरह वाश करके बाहर धूप में रखते हैं। और बाजी ने देखेंगे वहाँ पे सारी सफाई कर ली है। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम विवाह जी, आप कैसे हैं? हम सब जी अल्लाह पाक का शुक्र है, बिल्कुल खैरियत से हैं। उम्मीद करते हैं जी आप भी बिल्कुल खैरियत से हो। तो विवाह आप इस घर में जी हम जो नया है खा रहा है, वैसे तो पुराना है, आपके लिए जी नया ही होगा। तो इस घर में जी हमारी पहली सुबह हो चुकी है। रात को जी बहुत अंधेरी आई, बहुत तूफान आया, ना गैस ना लाइट, तो बगैर पंखे के जी यहाँ पे हम सारे सोए हुए थे। मान ली उठ गया, वो भी वहाँ पे सोया हुआ था जो है, वो यहाँ पे सोई हुई थी, मैं यहाँ पे थी, बच्चे वहाँ पे थे। तो रात के जी हमने चावल जो है वो वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं, गोश्त भी पड़ा हुआ है, वो वैसे वहाँ पर वो रख दिए जी, वो हमारा जी छानना है। हमारे इधर काफ़ी यानी कि देर से इधर ही लटका रहता है, तो कोई भी चीज़ हो, जब बारिश वो क्या कहते हैं लाइट ना हो, तो इसी में हम चीज़ रख लीजिए। देखिए जी वहाँ पे उठ के मुँह हाथ धोने लगी हैं, तो अभी बाजी को कह रहे हैं जी सारे के चाय बना लेते हैं। मैंने बोला चाय बना लेते हैं, साथ वो रात वाले जो चावल बने हैं वो बना लेते हैं, क्योंकि वो पानी में जी भीगे हुए थे, पानी हमें निकाल दिया, चीज़ें सारी उनकी कटिंग हुई है, वही जी पकाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ से जी सूर्य नज़र नहीं आता, छत के ऊपर जी आपको दिखाते हैं जी। वैसे तो बहुत प्यारी सुबह है माशाल्लाह, बहुत सुकून है इस घर में जी, सुकून वैसे बहुत ज़्यादा है। यहाँ से जी गाड़ियाँ बहुत कम गुजरती हैं पीछे से, तो फिर नाश्ता जी आपके साथ शेयर करते हैं जब वो स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए जी हमारा काका सुलेमान उठ गया, तो ये चिप्स जी इसके पड़े हुए थे, मैंने समझा ख़त्म हो गया, इसकी नानू ने इसे ढूंढ के दिए हैं, कैचअप के साथ खा रहा है। अभी हम काके के लिए चाय बनाए ना, बिस्किट लेके आए, पराठा बनाए है ना, खा लो अभी। हाँ आपके जो दादा बू है ना, वो आप ही के नाना है। हाँ इतनी बड़ी कब्र है दादा बू की, हाँ इतनी प्यारी कब्र बनी हुई है ना, पक्की बड़ी प्यारी कब्र। हम जाके घास को ऐसे उखाड़ेंगे, साफ करके आएंगे, फूल। तो भी बस यहाँ से जी भतीजी ने सारा झाड़ू लगा लिया और वहाँ पे जी अभी लगा रही है वो आटा जो हम वहाँ से लेके आए हैं अपने घर से, तो इसको जी हम छान के लाए थे, और क्योंकि मम्मी पता था जी छाननी उठानी बहुत मुश्किल है, तो ये जी अब आटा गूंदेंगे, क्योंकि चावल कह रहे हैं बच्चे के दोपहर को हमने खाने हैं, अभी तो हम पराठा खिलाएं, क्योंकि कल भी भूखे सोए हुए उन्हें भूख लगी हुई है जी, तो उतना ही आटा गूंथते हैं, 5-6 रोटियां इसकी बांध दिया, क्योंकि दोपहर को फिर चावल बनाएंगे। बस आटा जी मैंने गूंद लिया है, तो अब जी बाजी गई हैं दूध लेने, चाय बनाते हैं और फिर पराठे बनाते हैं। बस यहाँ पे जी मैंने रख दिया है प्याज, ये टमाटर सब मिर्ची है जी, जो रात को हमने जी चावलों के लिए तैयार किए थे, थोड़े से जी मैंने उसमें डाले, और थोड़े से जी मैंने न्यू जो है वो उसकी कटिंग कर ली है, टमाटर भी कर लिया है। ये जी रात को बाजी लेके आई थी चावलों के लिए टमाटर प्याज, तो पहले जी बनाते हैं टमाटर प्याज का सालन, अंडा नहीं डालेंगे, तो उसके बाद ही फिर यहाँ पर पराठे बनेंगे। हाँ और ये जी थोड़ा सा नमक डालते हैं, और ये जी हम पैकेट लेके आए थे सुर्ख मिर्चों वाला, तो थोड़ी सी जी सुर्ख मिर्ची डाल देते हैं। ये टमाटर है जी, टमाटर भी साथ ही डाल देते हैं। ये अभी जी मैंने इसमें पानी डाला हुआ है, क्योंकि प्याज जो थे जी वो मुझे थोड़े सख्त लग रहे थे,
तो उसके बाद जी घी डालते हैं, उस सब्ज़ मिर्चा डालते हैं, तो बस हमारा सालन तैयार हो जाएगा। जी बाजी दूध ले आए हैं, ये हमारे हमसायों के घर में पड़ा हुआ था, हमने रखा हुआ था जी, हम वहाँ से लेके आए हैं जी ढोकों से, तो इसकी बनाते हैं जी चाय। गैस देखिए जी इस वक्त फुल है, रात को हमने सोचा शायद हमारा चूल्हा ख़राब है, गैस आ ही नहीं रही थी, हम सायों से पूछा, हम साये कहते हैं कि हमारी गैस है, लेकिन पता नहीं था हमारा चूल्हा ख़राब था या फिर गैस काम थी, गैस काम थी, गैस भी काम थी। फिर बाद में जी यहाँ पे टाइमिंग है गैस की आठ, रात आठ से लेकर सुबह आठ बजे तक जाती है, बस अभी सात हुए हैं, क्या पता कि आठ बजे दोबारा चले जाए, तो जल्दी जल्दी हम नाश्ता बनाते हैं। बाजी ने पानी रख दिया जी ये चाय के लिए, चाय बना लेते हैं, अभी सात पराठे बनाए बाजी जल्दी जल्दी, और चूल्हे को जी हमने इस तरह कर लिया ताकि मैं भी जी इस तरह खाना इधर साथ बना सकूँ और बाजी भी बैठ सके। और ये देखें जी हमारी टूटी है, यहाँ पर बंदा मुँह भी धो सकता है, बर्तन भी वाश कर सकता है, और वो टूटी भी थी जी हमारी, वो किराएदार जी तोड़ गए, अंदर वाला फवारा भी तोड़ गया, अब ये सारी चीज़ें जी जो नुकसान हुआ है वो हम पूरा करके जाएंगे, और मोटर भी जी ख़राब करके गए हैं, मोटर जो है वो पानी जो टैंकी है जी वो पानी नहीं आ रहा उसमें, डायरेक्ट चलाते हैं तो पानी आता है, और मुसलसल जी चीज़ों का नुकसान करके गए हैं, वो सारी चीज़ें जी अब हम वो पूरी करेंगे तो फिर जी ये इस मकान जो है वो रहने के काबिल बनेगा। और ये जी मैंने घी डाल दी है, तो बस ये हमारी हंडिया बस तैयार है, चाय भी बस जी तैयार है, फिर रोटियां बनाते हैं। और ये देखें जी चाय तो पक चुकी है, लेकिन हम जी वो फेंटने वाला पवा नहीं लेकर आए, तो बस ये थोड़ी देर कड़ती है, तो चाय जी हमारी तैयार है, उधर सालन भी जी हमारा तैयार है, क्यों भाजी बड़ी है चाय, सही है, हाँ सही है। चलो उसके बाद पराठे बनते हैं, तो फिर नाश्ता करते हैं। सलमान देखे जी वहाँ पर शरारते कार है, कभी अंदर कभी बाहर, ये उसके खिलौने पड़े हुए हैं, और ये देखें जी धूप निकल आई है जी, यहाँ पे आ चुकी है जी धूप, सूरज जो है वो इस तरफ मशरक़ की तरफ से जी उभर आया है, यहाँ से जी आपको सूरज दिखाते हैं अपने दूसरे सेन से, ये है जी सूरज निकल आया जी सूरज, और ये है जी हमारी बैठक, और ये इसका सेन है, ये बाहर वाला दरवाज़ा है जी, तो इसको भी जी साफ़ करेंगे, और ये अंदर वाला दरवाज़ा है जी, यहाँ पे जी हमने सारी चारपाइयाँ रात को बिछाई हुई थी, अनार देखें जी माशाल्लाह आप कितने प्यारे जी अनार लगे हुए हैं, भरे हुए हैं, सलमान इनको तोड़ तोड़ के जी खाता है, मना किया है जी कच्चे हैं ना खाओ, लेकिन बच्चा है जिसे समझ नहीं आती, उसके लिए ये खिलौने हैं जी, वो देखें जी सलमान शरारते कर रहा है, और साथ साथ जी जो बच्चियाँ हैं वो सफाइयाँ कर रही हैं, सेन से झाड़ू दिया है, बिस्तर वगैरह जितर तय करके रखे हैं, और यहाँ से जी सफाइयाँ हो रही हैं, बच्चे जो हैं वो ये देखें जी झाड़ू लगा दिया है इस कमरे से, और कपड़ा जी बच्चियाँ लगा रही हैं, बच्चियाँ सफाई करेंगी, ये देखें, तो चारपाइयाँ हैं जी फालतू, तो ये अंदर बिछा देंगे जी, यहाँ ये दूसरा कमरा है जी, यहाँ पे जी जो चारपाइयाँ बच्चे कुछ बारिश की वजह से अंदर सोए थे, ये चारपाइयाँ अंदर ही पड़ी हुई हैं, इनको अंदर ही रहने देते हैं, यहाँ से सफाई कर लेते हैं, और ये पंखा इधर भी है जी हमारा अपना ही, और दूसरे कमरे में जी पंखा, पंखा जी सारे कमरों में लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है, ये बड़ी मौजें हैं जी, हमने सारा कुछ इधर रखा हुआ है, तो ये देखें जी कपड़े वगैरह बच्चों ने इधर सेट कर लिए हैं, वहाँ पर चीज़ें रख ली हैं, और बैग वगैरह कुछ इधर हैं, कुछ दूसरे कमरे में, आज किचन वगैरह साफ करेंगे जी, ये सारे बिस्तर वगैरह जी इधर तय करते हैं। ये देखे जी मलाइका ने दस्तरखान बिछा दिया है सलेमान को कि यहाँ बैठ के पराठा खाए, ये जी यहाँ पे दस्तरखान लगाया, तो सलेमान कहता है जी कीड़ियाँ आ गई हैं, तो अब चारपाई बिछा दी है, तो इसके ऊपर बैठ के खाना खाएगा, नाश्ता करेगा। ये जी दूसरा कमरा भी साफ कर लिया है जी, बच्चियाँ साथ साथ सफाइयाँ कर रही हैं, ये कमरा बिल्कुल साफ़ हो गया जी, यहाँ पे जी आप कपड़ा लगाएंगे, ये देखें जी फर्श कितने साफ़ है, नीट क्लीन, और ये हमारे किराएदारों ने जी वो आग जला जला कर अंदर ये देखें जी दाबड़े वगैरह रखते रहे, सारा फर्श खराब कर दिया, वरना ये बहुत ही जी नीट क्लीन हमारा फर्श था, सारा ख़राब हो गया, और ये वाला देखें फर्श बिल्कुल साफ़ है, यहाँ भी जी ये देखें आग जलाते रहे हैं, ये देखें पता नहीं क्या क्या रखा हुआ था जी, ये सारे फर्श ख़राब किए हैं,
बर्तन पड़े हुए हैं इन दोनों मठियों में, तो मैंने मलाइका को बोला है वो निकाल के देती है। और यहाँ पे जी हम सारा सामान रखेंगे, और ये वाली जो शीट है जी ये बाहर लगाएंगे, इसकी छांव बनाएंगे, ये बड़े काम की है जी। और मलाइका जो है वो कप निकाल रही है, और ये हैं जी कप, बाद में ले जाती हूँ। ये कप जी मैंने निकाल लिए, मलाइका ने निकाल के दिए, इनको वाश करते हैं। बाजी मेरा बड़ा कप ये है जी, एक न्यू छाबा पड़ा हुआ है इस मिट्टी में, वो जी हमने निकाल लिया है, इसमें रोटियाँ रखते हैं। और ये बन गया जी पराठा सुलेमान का, माशाल्लाह जी बड़ा प्यारा पराठा बना है जी। तवा जी हम घर से लेके आए थे अपना, क्योंकि इधर तवा नहीं है। ये न्यू छाबा जो मैं लेके आई हूँ जी, इसमें सुलेमान का पराठा रखते हैं, सुलेमान को देते हैं जी पराठा, वो खाए चाय के साथ या केचप के साथ। ये देखें जी ये घी पड़ा हुआ है इधर, और वो बाजी ने खुशका जो है वो रख लिया है। इस तरह जी आज हम काम चला रहे हैं यहाँ पे जी, जो बर्तन पड़े हैं उन्हीं से। ये दूसरा पराठा, और ये देखें जी ये कप जो है ये इरमा वाश कर रही है, ये साबुन पड़ा हुआ है इसके साथ। ये वाला जो छाबा है जी ये सुलेमान को दे देते हैं, क्योंकि इसमें जी ज़्यादा रोटियां आ जाएंगी, पराठे आ जाएंगे। चलो जी ये बाजी आप ले लो। पंखा जी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और सुलेमान केचप के साथ नाश्ता करेगा चाय के साथ। चाय डाल के बाजी देने लगी हैं जी सबको, क्योंकि आज पवा लेके आएंगे बाजार से जी, बाजार नज़दीक ही है। ये देखें जी सुलेमान की चाय, अंडा साथ केचप, क्योंकि डॉक्टर ने इसे अंडा खाने से मना किया है, तो ये पराठे के साथ जी खाएगा केचप। एक रोल खा लो, ये रोल बना दिया है जी इसको, अब ये रोल खाएगा चाय के साथ। टेस्टी है। के ऊपर जी बच्चे साला ले लेते हैं, और चाय जी इसमें मैं इनको साथ डाल दूं। दूसरा पराठा आ गया नहीं। पकड़ो। आ। अच्छा पकड़ लेते हैं। कुछ चीज ले आने ले आने। बिल्ली बिल्ली वो उधर उधर जी देखो, मानो बिल्ली आई हुई है। अभी बस ये मैंने जी चाय डाली है अपने लिए, मैं चाय पीऊंगी जी, मैंने पराठा नहीं खाना, चावल बनेंगे तो जी वो मैं खाऊंगी। बिल्ली का ये है जी मलाइका की चाय, मलाइका को जी सालन पराठा दे दिया। ये है जी सारे इकट्ठे खा रहे हैं जी, ये सुलेमान भी खा रहे हैं, और ये है जी हमारा आखिरी पराठा, तो ये बाजी का पराठा है। चलो गोल्डन गोल्डन पराठे बन रहे हैं जी, बहुत ज़बरदस्त। ये वाला तवा ज़्यादा सही नहीं बाजी, घर वाले तवे से? ये जो तवा है हम घर से लेके आए हैं, दूसरे हमारे तवे जो हैं वो तीन चार तवे हैं घर में, तो वो वाले मुझे लग रहा है इसका रिजल्ट ज़्यादा बेस्ट है। ये जी पराठा तैयार हो गया है बाजी का भी, चलिए इसको उतार लिया जी। अब ये दोबारा जी चाय बाजी ने ऊपर रखी है, गर्म होती है तो साथ चाय बाद में पियेंगी, और ये सालन और ये पराठे के साथ बाजी भी नाश्ता करेंगे। चले जी ये बाजी का पराठा, नाश्ता हमारा जी मुकम्मल हो चुका है, बाजी रोटी खा रही हैं, मैं चाय पी रही हूँ, बच्चे भी जी साथ साथ पराठे चाय ये सारे के साथ ही खा रहे हैं। तो अभी क्या पता जी गैस चली जाए, उससे पहले कि गैस जाए अभी सफाइयाँ करनी है, चावल बनाने हैं, पहले सफाइयाँ करेंगे फिर चावल बनाएंगे। तो भी बस ये जी पानी के लिए हमने इधर रखे हुए बर्तन बाजी ने निकाल के लाई है, यहाँ पे जी पानी जो पीने वाला नहीं है, ये इस काबिल नहीं है जी, गंदा पानी है, यानी ये कपड़े और बर्तन के लिए ठीक है, पीने के लिए ठीक नहीं है जी, कड़वा पानी है, तो गंदा नहीं है जी, सॉरी कड़वा है। तो ये हम जी कैन जो है इसको वाश कर रहे हैं, पानी वाला आता है तो उससे हम पानी पैसों से ख़रीद के जी हम इस्तेमाल करते हैं इस एरिए में, तो इसमें पानी भरेंगे। और ये वाला एक बर्तन है इधर पड़ा हुआ है, इधर ही रखे हुए हैं बर्तन, इसको भी जी वाश करते हैं, और इसमें लेंगे जी हम पानी। और ये बर्तन वगैरह जी अभी इधर ही पड़े हुए हैं, इनको मैं वाश करती हूँ, बाजी बर्तन वाश ये वाले बड़े कर ले।
और यहाँ पे जी हम किचन भी की भी जी सफाई कर रहे हैं। ये शीट है जी, इसको पहले कुछ कपड़े से साफ करेंगे। देखें जी ये शीट हमारी बिल्कुल ठीक थी, ये भी किराएदार 2 साल इस्तेमाल करके इसको फाड़ के चले गए, न्यू शीट थी जी। तो ये सारी चीज़ें जी आप इसको पहले कपड़े वाला गीला साफ करें और इसको मार के फिर यहाँ पे हम अपनी रखेंगे जी चीज़ें। यहाँ पे वैसे चूल्हा पड़ा होता है जी। और ये देखें जी किचन बहुत गंदा है, ये सारी इसकी जो अलमारी शेल्फ वगैरह जी इसको आज साफ़ करेंगे और फिर फर्श को भी जी साफ़ करके फिर ये रहने के जी काबिल बनाते हैं। किचन है जी, तो आप बर्तन जी अंदर धोया करेंगे। ये देखें जी कीड़े कितने हैं। तो भी मैं चारपाइयाँ इस तरफ करने लगे हैं जी। अब बाजी वहाँ पे बर्तन में वॉश कर रही है, ये वाले मैंने किचन साफ कर लिया जी, बर्तन अंदर रखेंगे। चलो जी चारपाई किसी का करवाए, बादल बन गए हैं जी जो है वो हमारे वॉश हो चुके हैं। ये बर्तन वॉश करके इधर रखे हैं, किचन जी साफ़ हो चुका है। ये पाइप वगैरह जी यहाँ से हटाते हैं, कीड़े मकोड़े बहुत हैं जी इस जगह पे। ये सूखता है वाइपर लगाती हूँ तो फिर सारा सामान जी अंदर रखते हैं। अभी बस लाइट गई हुई है जी, हवा जो है वो बंद हो गई है जी, बिल्कुल नहीं लग रही, बड़ी सख्त गर्मी है। फर्श वॉश हो गया, बर्तन धो के उधर रख दिए हैं। तो अभी देख रहे हैं जी लाइट आए तो वो वाला कमरा जी हम साफ़ करें। उस कमरे में जी हमने जाना है, वो कमरा रह गया। और उसके बाद अभी जी दोपहर के चावल भी बनाने हैं। गैस चली गई है जी, आती है तो फिर वो भी बनाएंगे। वो देखें जी वहाँ पे सारी धूप आई हुई है लेकिन बादल बने हुए हैं, तो गर्मी जी इस वजह से बहुत ज़्यादा हब्स हो गई है। तो अभी बस लाइट आ गई है जी, मैं और बाजी इस कमरे में आ गए हैं। तो ये शीट उतारेंगे जी इसके ऊपर से, क्योंकि ये पेटियाँ वगैरह चेक करते हैं। ये शीट की वजह से यहाँ पर जी मिट्टी नहीं पड़ती, ये बची रहती है। इसके ऊपर भी जी सारी शीट थी। जी शीट उतर गई है नीचे से, देखे जी ये साफ है ये शीट। और ये पेटी के ऊपर जी ये वाला कपड़ा है, इसके ऊपर ये प्लास्टिक शीट डाली है दोनों पेटियों के ऊपर, ताकि इसके अंदर जी मिट्टी ना जाए। तो इनके अंदर जी बर्तन भी हैं, कपड़े भी हैं, तो जो जो चीज़ें ज़रूरत हैं वो इसमें से ले लेंगे और इसको बाहर रखते हैं और इसको भी वॉश करेंगे, मिट्टी सारी इसकी वॉश करके फिर इसकी छांव बनाएंगे। ये इधर रख के तो पाइप के साथ जी इसकी अच्छी तरह सफाई होगी। इधर बाजी ने इधर रख दिया है। तो शाम को जी अभी बादल बने हुए हैं लेकिन जब क्या पता जी बादल बरस ही जाए तो फिर मोजी हो जाएगी, बारिश आई तो फिर तो बारिश में धुल जाएगी, नहीं तो फिर मोटर के ऊपर ही। तो मोटर चला के धो लाऊंगी, मोटर जी पानी नहीं उठा रही, टैंकी में पानी जा ही नहीं रहा। बुलाया है जी उसको मोटर ठीक करने वाले को, हाँ जी अभी आएगा तो वो मोटर ठीक कर देगा। और ये इधर जी सुलेमान खेल रहा है अपने खिलौनों के साथ, इसके हम अपने घर से लेके आए थे ताकि ये खेलता रहे बोर ना हो। और ये देखे जी हमने कूलर इधर रख लिया है और यहाँ से जी पानी पीने में आसानी होगी कमरे में, ताकि पानी ठंडा रहे। इन अलमारियों में जी ये सारा सामान रखा हुआ है, इनको साफ करते हैं सारा। ये भी उठा लें, इसमें आटा गूंद लेंगे हैं। और ये हमारे सिपारे हैं जी, ये इधर जब आते हैं तो ये पढ़ाई वगैरह जब करनी हो तो कर लेते हैं, सारा जी झाड़ पूछ करते हैं। और ये वाली शीटें जी हम नीचे उतार लेते हैं, अभी इनको वॉश करेंगे। और ये देखें जी यहाँ पे ये चील बैठी हुई है, बहुत ही चीज की आवाज़ आ रही है, ये सुबह से जी इस तरह चीख रही है।
शायद इसको आदत है यहाँ पे बैठने की। और ये शीटें भी जी इधर रख ली हैं, ये पानी से जी अभी इसको साफ़ करेंगे। और ये जी पीछे ये बक्स है, इनके पीछे देखें जी सारा सामान पड़ा, इसको निकालती हूँ, वाश करेंगे, साफ़ करेंगे जी। ये देखो कितनी मिट्टी जी यहाँ पे है, इसको भी साफ़ करते हैं। तो भी बस ये जी शीटें हैं, इनको जी सरफ लगाओ कर पानी के साथ अच्छी तरह वाश करके बाहर धूप में रखते हैं। और बाजी ने देख ली वहाँ पर सारी सफाई कर ली है, चूना देखें जी कितना उतारा है दीवारों से। ये कमरा बहुत ज़्यादा गंदा है क्योंकि ये कमरा बंद रहता है। तो अभी बस कमरे को जी हमने अच्छी तरह झाड़ पूछ ली है, पीछे से भी जी सारी मिट्टी देख निकाल ली है। तो ये लकड़ी को जी ये घुन लगा हुआ है, तो अब यहाँ पे जी हम फर्श मैंने साफ कर लिया आधा। हमारा जी साफ कर ली है, अब यहाँ से जी थोड़ा सा सेंध भी साफ करेंगे, मिट्टी जी नाली में ना जाए। फर्श जी साफ हो गया उस कमरे का, और ये शीटें देखे जी पीछे हमने वो साफ करके तार पे डाल दी हैं। बर्तन भी जी वॉश कर लिए हैं, थोड़ी सी चीज़ें जी हमने किचन में सेट कर ली हैं। तो अब दोपहर को खाना बनाएंगे, तो क्योंकि काफ़ी वक्त हो चुका है जी, 11 बज चुके हैं। तो देखिए कितनी धूप आ गई है सेन में। ये वाली शीट जी हम धोकर तो कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे छांव बनाएंगे, पहले भी जी हम यहाँ पे छांव लगाया करते थे। तो अब जी हम वीडियो का एंड करेंगे क्योंकि सुबह वाली जो रूटीन है वो हमारी ख़त्म हो चुकी है, नाश्ता बर्तन सफाइयाँ ख़त्म हो गई हैं जी। अब दोपहर वाला जी हम अगला प्रोसेस शुरू करेंगे, तो वो अगली वीडियो में जी आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद है कि आपको आज हमारे न्यू घर में पहली दफ़ा का जी नाश्ता ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए। हमारे जितने बहन भाई दोस्त हमारी वीडियो वॉच करते हैं, जो नहीं भी करते सब अल्लाह पाक के जवाब माए सबको से तो तंदुरुस्ती अता करें। तो भी बस गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लाइट चली जाती है, वो शुक्र है जी लाइट अभी आई है, तो हमने फर्श वॉश कर लिया है ना। तो अब दोपहर को जी फिर अगली रूटीन आपके साथ शेयर करते हैं, तो आप इजाज़त लेंगे, ठीक है जी। बाय बाय कर दो शलेमान। ये देखिए जी रोल बना के दिया है, कैचअप लगा के खा रहा है, बंडा नहीं खाता, अच्छा बच्चा बन गया। और कह रहा जी मैंने दवाई भी लेनी है जो मुझे डॉक्टर ने दी है, ताकि मैं बड़ा हो जाऊँ। बड़ा दवाई लेगा तो फिर बड़ा होगा। चलो खा लो जी।